Hi guys, well this is Shikha A. Sharma, the dietitian and the nutritionist. अब हमारा देश बढ़ रहा है लॉकडाउन की तरफ खुलने को. बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी हैं. आप देखेंगे मार्केट के अंदर स्टेशनरी खुल गई है, मार्केट के अंदर बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं. और अब दुकानें तो खुल गई है, बट क्या इसके साथ खतरा भी बढ़ गया है? कोरोना वायरस आपके घर तक पहुँचने का क्या खतरा बढ़ गया है? कोरोना वायरस हमारे पास और करीब आने का, वेल बिल्कुल हो सकता है. सो अब आपको लेने ज़्यादा प्रिकॉशन. सो बिल्कुल अब लॉकडाउन जैसे खुल रहा है तो उसके साथ बहुत सारी दुकानें खुल रही है, जैसे स्टेशनरी है, जैसे कॉस्मेटिक की दुकानें हैं, जहाँ पे आप चीज़ें इस्तेमाल जो कर रहे हो बहुत सारे लोग हो सकते हैं उसे छुआ हो और कोरोना वायरस आपके घर तक आ सकता है. तो आपको क्या करना है? जैसे कॉस्मेटिक की दुकान है, जैसे आपने देखा है बिकॉज बहुत फीमेल्स का कॉस्मेटिक फिनिश हो गया है. सो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रेफर कीजिए कि आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए. बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप ऑनलाइन कॉस्मेटिक आप ख़रीद सकते हैं. सो उसके लिए आपको क्या करना है, और जब आप कॉस्मेटिक ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे ही वो आए आप पैकेट लीजिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और यूज़ करने लग जाइए. पहले आप कॉस्मेटिक को, अपने सामान को धूप में 2 दिन तक रहने दीजिए और फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आप दुकान से कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं तो आपने देखा होगा दुकान में हम खरीदने से पहले हम गर्ल्स उसे यूज़ करके देखती हैं. हम देखते हैं कि वो शेड सही है, शेड हमारी स्किन से मैच करेगा नहीं करेगा. बट क्या आपने सोचा है वो सामान को कितने लोगों ने हो सकता है अपनी स्किन पे टेस्ट किया हो, और ना जाने उनमें से अगर एक जना भी कोरोना वायरस से पीड़ित है तो कोरोना वायरस आप तक भी पहुंच सकता है. सो मेक श्योर ट्राई मत कीजिए, सीधा आप परचेज कीजिए. परचेज करने के बाद सामान को धूप में रखिए और उसके बाद उसे अपने घर में एंट्री करने दीजिए. और जैसे आज एक इंसिडेंट हुआ मेरी डॉटर के लिए, मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि उसके लिए वो स्टेशनरी की दुकानें खुल गई है, स्टेशनरी लेके आया. तो बहुत सारे पेरेंट्स आज भी ये कर रहे हैं कि आप चीज़ें मंगवा के आज भी वो एकदम से इस्तेमाल कर रहे हैं. और स्पेशली स्टेशनरी अगर आप बच्चों के लिए मंगवा रहे हैं, आप बच्चों के लिए कलर ग्लिटर जो भी स्कूल में ऑनलाइन स्कूल में इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं, और आपको उसका इस्तेमाल एकदम से नहीं करना है. बिकॉज बार बार आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि बच्चों को और बड़ों को हमें ज़्यादा बचाना है, बिकॉज बच्चों और बड़ों का इम्यून सिस्टम हम मिडिल एज से ज़्यादा लो होता है. सो आपको जो बच्चों के लिए आप स्टेशनरी मंगवा रहे हैं उसे 2 दिन तक, मिनिमम 2 दिन तक आप धूप में रहने दीजिए, बिकॉज प्लास्टिक पे ये वायरस 3 से 4 दिन तक रह सकता है. तो 2 दिन तक आप धूप में रहने दीजिए, फिर उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज कीजिए और तब आप उसका इस्तेमाल कीजिए. सो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप लॉकडाउन खुलने के बाद भी अपने आप को और अपने फैमिली बच्चों को आप सेव कर सकते हैं कोरोना वायरस से. अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है. कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल.